हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू कैसे हैं आप टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड द समरी ऑफ दिस चैप्टर एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर सो लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर तो चलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया था विद मीनिंग आपको मिस्टर मोकिंग बर्ड एंड हिज प्राइज सॉन्ग मैंने आपको मीनिंग भी इसमें शो किए थे और हिंदी में अच्छे से आपको ये समरी समझाई थी तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर ये क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो चैप्टर नेम डालिए मिस्टर मॉकिंग बर्ड एंड हीज प्राइज सॉन्ग क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा डेफिनेटली यू विल गेट और इसका बी टू भी हम कर चुके हैं करेक्टरिस्टिक्स भी कर चुके हैं तो बी थर्ड का फर्स्ट हम अपनी फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा आप सर्च कीजिए पार्ट फर्स्ट अब चलिए हम करते हैं क्वेश्चन सेकेंड वॉज मिस्टर मॉकिंग बर्ड ट्रूली मेकिंग फन ऑफ द बेबी नाउ लेट्स सी द आंसर क्या मिस्टर मोकिंग जो है सच में ही बेबी स्क्वा के सॉन्ग का मजाक बनाता था मिस्टर मोकिंग बर्ड आर्ट वाज टू रिपीट एवरी एनिमल्स साउंड यहाँ पर साउंड होगा टिल ही हैड परफेक्टेड इट मिस्टर मोकिंग का ये आर्ट था मतलब कि उसका काम था कि जो भी एनिमल साउंड बोलता था उसको वो रिपीट करता था जब तक वह उसमें परफेक्ट नहीं हो जाता सो वेन ही वॉज़ रिपीटिंग बेबी स्क्वैरल्स साउंड जब भी वह बेबी स्क्वैरल के साउंड को सॉन्ग को रिपीट करता था ही वॉज़ नॉट मॉकिंग हिम वह उस पर मजाक नहीं उड़ाता था या उसका मजाक नहीं बनाता था नाउटी था थर्ड क्वेश्चन वट वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस्टर मॉकिंग बर्ड्स एबिलिटी टू रिपीट एवरी सॉन्ग